हेलो फ्रेंड्स, हंट्स वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन में आप लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं, 3D लाइव वॉलपेपर, और उसमें फ्रेंड्स आप अपने खुद के नाम को आप लिख सकते हो। जिसका नाम आप लिखना चाहते हो उसका नाम आप लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो अगर आप भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन में 3D वॉलपेपर में आप अपने खुद के नाम को आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ घंटी के बटन है उसे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करना है, तो मैं प्ले स्टोर ऐप से इस ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है 3D माय नेम लाइव वॉलपेपर, तो आपको सर्च कर लेना है 3D माय नेम लाइव वॉलपेपर। मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इस ऐप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस ऐप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में पहले ही इंस्टॉल करके रख चुका हूँ, ताकि आप लोगों का समय बच सके, इसलिए मैंने पहले ही हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करके रख चुका हूँ। तो इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस ऐप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अच्छी तरह से परमिशन दे देना है, तभी आप इस ऐप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने आप खुद के नाम को आप लिख सकते हैं। आपको नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं अपने नाम को यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला, मैंने अपने हिसाब से मैं अपने नाम को लिख लिया। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। आप अपने हिसाब से नाम को लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहते हो उसे आप लिख सकते हो। लिखने के बाद अगर आप इसका फ़ॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ आपको देखने को मेरा 3 डॉट, तो 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे सेटिंग्स का ऑप्शन, तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मेरा देख सकते हैं फॉन्ट टाइप, तो आप अपने हिसाब से अपने फॉन्ट को आप लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो फॉन्ट को आप लगाना चाहते हो उसे आप लगा सकते हो। तो यहाँ आपको देखने को मेरा फॉन्ट टाइप, तो फॉन्ट टाइप पर आपको क्लिक कर लेना है। फॉन्ट टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखने को मेरा बहुत सारा फॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से खुद के फॉन्ट को आप चूज कर सकते हो, यानी कि आप अपने हिसाब से जो फॉन्ट को आप लगाना चाहते हो उसे आप लगा सकते हो। तो मैं एक फॉन्ट को लगा लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट को आप लगा सकते हो। तो मैंने फॉन्ट को लगा लिया। फॉन्ट को लगाने के बाद अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मेरा सेट लाइव वॉलपेपर, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मेरा नीचे में दो ऑप्शन, तो आप अपने हिसाब से इस पर आप क्लिक कर लेते हैं। डायनामिक वॉलपेपर फिर भी आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको देखने को मेरा अप्लाई, तो अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना। इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे जो आप सेव करेंगे वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने को देख सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिला, आप अपने हिसाब से खुद से आप रोटेशन करवा सकते हैं। जिधर आप रोटेशन करेंगे उधर आपका एंड्रॉयड फ़ोन का ये 3D लाइव वॉलपेपर आपका रोटेशन करेगा। तो देख सकते हैं, देखिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन में आप जिस तरह से अपने फिंगर को आप चलाएँगे इसी तरह से ये वर्क करेंगे। तो देख सकते हैं, तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन में 3D लाइव वॉलपेपर को आप लगा सकते हैं अपने नाम के साथ। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ घंटी के बटन है उसे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चले तब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।